के बढ़ते संक्रमण के बीच मंगलवार को केटी नगर में कोरोना हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य लोग उपस्थित थे। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केटी नगर में एक कोरोना हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे और उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा, जिस दौरान उन्होंने बताया कि विधायक प्रणय फूके की सहायता से इस अस्पताल की शुरुआत हुई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस अस्पताल को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, जिससे पश्चिम नागपुर के लोगों को सहायता मिलेगी। ऐसा वक्तव्य इस वक्त उन्होंने किया। ही सगळी इमारत या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली आहे आणि या ठिकाणी आमदार परिणय फुके यांनी त्यांच्या चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून हे हॉस्पिटल सुरू केलं आहे। ते हॉस्पिटल सुरू करण्याकरता या ठिकाणी ऑक्सिजनचे बेड्सची आवश्यकता होती। माननीय गडकरी साहेबांनी 50 सिलेंडर्स हे या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले, त्यामुळे हा जो काही पश्चिम नागपूरचा बाहेरचा भाग आहे, या भागातल्या पेशंट्सकरता ही एक अत्यंत महत्त्वाची जागा या ठिकाणी तयार होते। याचं रूपांतर 100 बेड्समध्ये होत आहे आणि त्यातनं मला असं वाटतं की आता जो की अडचण लोकांना होती आहे, त्यातनं निश्चितपणे लोकांना या सुविधेचा फायदा होईल। इस उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे, जिस वक्त उन्होंने ऑक्सीजन के संबंध में जानकारी साझा की। इस वक्त उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की स्टॉकिंग हम नहीं कर सकते और अभी शहर को बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है। संकट गहरा है, पर अब आने वाले कल से ऑक्सीजन का संकट नहीं रहेगा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। एक पेशेंट कोई 20 लीटर ऑक्सीजन लेता है, कोई 5 लीटर लेता, तो उसके परिस्थिति पर ये डिपेंड होता है। तो रेशनिंग का कोटा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे ऑक्सीजन का नहीं हो सकता। और दूसरा ऐसा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है तो लोगों को एडमिट ही मत करो, इस प्रकार की भूमिका लेना उचित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जनता ने ये समझना चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है और थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, पर लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार एक्सपांशन कर रहे हैं बेड्स का। हमारे पास पूरी व्यवस्था कभी है, कभी थोड़ी कम है, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्राण न जाए, लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे किसी इसमें कोई मदद के बिना उनका मृत्यु हो। ये थोड़ा सा लोग भी इसको सहयोग करें और सबसे अच्छी बात इन्हें जो दवाई थी उनकी रेमडेसिविर, तो उसके बारे में मुझे खुशी है कि उसका कल से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और 30,000 रेमडेसिविर हमको रोज के मिलेंगे वर्धा, और हमने वर्धा में और उसके टीम हैदराबाद से कल आई है, उनके ट्रायल शुरू है, कल प्रोडक्शन पर जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो 30,000 जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग नागपुर शहर, जिला और विदर्भ के दो जिलों को देंगे, फिर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उनको भी देंगे और इसकी अब कमी नहीं रहेगी। गडकरी ने इस दौरान पत्रकारों को बताया कि जल्द ही शहर में बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन किया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।